सिवान के चनौर गांव में विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया और इस वार्षिकोत्सव के मौके पे जेपी यूनिवर्सिटी के जो पूर्व कुलपति हरिकेश जी वो यहां पे आए हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे साथ ये मौजूद हैं। सर आपसे हम बात करेंगे कि आज जिस तरह से विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो एनुअल फंक्शन कराया गया काफ़ी बृहद और काफ़ी सुंदर तरीके से बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक आपके सामने जहाँ पर हम आपको अपनी ये टिप्पणी दे रहे हैं या समीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर पवित्र वृक्ष लगे हुए हैं जहाँ पर शिव जी के लिए ये है और इधर शमी का, तो निश्चित रूप से ये पवित्र भूमि है। और मैंने जैसे वहाँ कहा है, ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि दुनिया में महाद्वीपों में एशिया, एशिया महाद्वीप में भारत, और भारत का जो हिमालय का तराई भाग है जिसमें अरण्य आरा, सुअरण्य सारण और चंपारण, और इसी तरह से देवभूमि जो उत्तराखंड है, सारण की इस पवित्र भूमि में आज जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि यह विद्यालय वास्तव में सरस्वती का वास स्थान है। और जिस तरह से ग्रामीण प्रतिभाओं को, यद्यपि उसके लिए जवाहर विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन यह विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में लिया जा सकता है जहाँ की संपूर्ण संरचना, प्रबंध तंत्र और शिक्षक शैक्षिक व्यवहार जो है तथा आवास में रहने वाले छात्रों में अनुशासन, बच्चियाँ यहाँ रहती हैं ग्रामीण प्रतिभाएं जिनके अभिभावक विदेशों में हैं अथवा सुदूर नॉर्थ ईस्ट में और पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने विश्वास के साथ यहाँ बच्चियों को और उन बच्चियों को जो विद्यालय स्तर की हैं, परंतु यहाँ जिस तरह का इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया है, मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ की शिक्षिकाओं, शिक्षकों, यहाँ के प्रबंध तंत्र के अभिभावक और अभिभावक स्वयं निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और जैसा मैंने एक उद्गार कहा एक वाक्य में जो अपने मन का था कि ये महात्मा गांधी के जन्म का 150वां साल है और विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान का 125वां वर्ष है, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो आज बच्चों की जो प्रस्तुति है उससे खुश होकर के वो यही कह रहे होंगे कि भारत फिर से बस रहा है, भारत के बसने में, भारत के गाँव और गाँव में प्रतिभाओं के रूप में विज्ञानानंद जो ये केंद्रीय विद्यालय है एक आदर्श विद्यालय है। ऐसे जगह पर अगर इस तरह की शिक्षा मिल रही है तो हमें पूरा भरोसा है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, नवोन्मेष और शोध के क्षेत्र में अग्रणी हो जाएगा ऐसे ही विद्यालयों के माध्यम से। कार्यक्रम के दौरान सर एक कार्यक्रम चल रहा था शहीदों के याद में, आपने देखा होगा, थोड़ी देर के लिए आप भावुक भी हो गए और कल पुलवामा में शहीद जो हमारे देश के जवान थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, तो उस समय का जो माहौल कैसा लगा और क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कल भारतवर्ष में नई पीढ़ी को भी सही अर्थ में वैलेंटाइन का भी पुलवामा की घटना के कारण ये समझ में आया कि वैलेंटाइन अगर कोई देवता थे या उनका, और प्रेम अगर कोई सार्थक चीज है तो उससे भी ऊपर शहीदों की शहादत और उसकी कीमत है, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र गौरव सर्वोपर है। इसलिए आपने कल देखा होगा कि इधर कई वर्षों से जो विभिन्न प्रकार की अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता और इसको अश्लीलता के रूप में मनाया जा रहा है, इस बार नहीं देखने को, उस रूप में न देख करके युवा पीढ़ी में भी, शिक्षा संस्थाओं में भी, यहाँ तक कि ग्रामीण स्थल पर भी शाम के वक्त लोगों ने दीप जलाए, शहीदों को याद किया, तो रविरंजन, कारगिल और पुलवामा के साथ साथ संसद को जो बचाया, उन शहीदों के प्रति हर युवा पीढ़ी से लेकर किशोर से लेकर और वृद्ध तक सबके मन में यह हुआ कि उनकी शहादत को याद रखना है और उनकी हवा, उनकी शहादत की हवा केवल यही नहीं, दुनिया में अशांति फैलाने वाले हिंसा के जो अग्रदूत बने हैं उनके मन में अहिंसा का भाव जाए और भारत की प्रति उनके मन में सकारात्मक भाव आए। भारत ही एक देश है जो शांति और अहिंसा के लिए और सहिष्णुता के लिए सबसे आगे है। आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, परंतु हम आक्रमणों की सहस्र आघात सह करके भी आज तिब्बत को हमने अपने यहाँ स्थान दिया है, हमने नेपाल के लोगों को स्थान दिया है, अन्य लोगों को स्थान दिया है। ऐसे में मैं माँ भारती से यही प्रार्थना करूँगा कि उन शहीदों की शहादत को और हम सब लोगों को शहीदों की शहादत को याद रखना है। चिट्ठी यहाँ से नहीं आनी है, हमारी आत्मा से चिट्ठी स्वर्ग तक पहुँचेगी तो उन शहीदों के ही पुण्य से
भारत आत्मस्वावलंबी भी होगा, स्वावलंबी भी होगा और भारत स्वतंत्र रह करके सक्षम भारत बनेगा, अमूल्य भारत बनेगा, अतुल्य भारत बनेगा जो इस कार्यक्रम पर आज लगाया गया है। अतुल्य भारत, अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है जिसमें शुचिता है, स्वामी विवेकानंद जी के जो सेवक हैं और महात्मा गांधी के में जो आस्था रखने वाले हैं, वो शांति और अहिंसा का पाठ दुनिया को अभी भी पढ़ाएंगे और भारत ही एक आदर्श राष्ट्र होगा जहां सबको स्थान मिलेगा और दुनिया को प्रज्ञा शब्द कहा था बच्चियों ने, प्रज्ञा महात्मा बुद्ध के बाद अगर किसी ने प्रज्ञा को यहां पर कहा है तो ये तो बिहार है जिसने महात्मा बुद्ध को भी प्रज्ञा दृष्टि दी थी। तो मैं समझता हूं कि विज्ञानानंद के इस मंच पर जो बच्चियों ने और बच्चों ने शहीदों को की प्रस्तुति की है, मेरे आंखों में तो हमेशा आंसू, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके आंखों में आंसू है, परंतु उन आंसुओं का की कीमत है और कीमत यही है कि शहीदों के परिवार को याद रखते हुए ऐसे बच्चों को जो जा रहे हैं देश की सुरक्षा में, हमें सबसे अधिक उनके रख रखाव, उनके वेतन और उनके प्रतिपालियों को अधिक से अधिक संरक्षित रखना है। Amen. सर हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है अभिलाष गिरी जी, पहले आपसे बात कर लूँ उसका जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम ये जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसी पे आधारित हम लोग इसका चयन किए हुए थे, और हम लोगों का ये कि बच्चों में इस तरह की भावनाएं आए जिससे देश प्रेम, आपसी प्रेम, भिन्न भिन्न तरह की जो अपने देश में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए बच्चे हम तैयार करें ताकि वो समस्याओं का निराकरण कर सकें। बहुत दिनों से सर इसकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि जो बच्चे कार्यक्रम दे रहे हैं एक से बढ़ के एक कार्यक्रम, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोगों द्वारा इसको सराहा गया जा रहा है, और कोई ज़्यादा दिन से नहीं, मेरे बच्चे हर समय ये हम लोगों का कार्यक्रम रहता है, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह से, तो बराबर ये तैयारी चलती रहती है, कोई खास दिनों में हम लोग इसकी तैयारी नहीं करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपके विद्यालय में इस तरह का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जी सर, ये हम लोग का जो विद्यालय है इसमें हम लोग की शुरू से प्रयास रहा है, प्रारंभ से ही, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसी के तहत केवल शिक्षा पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों के से सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे बने। अब जैसे कि बिहार में हमारे ही विद्यालय में केवल शूटिंग रेंज है, तो इस तरह हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं बच्चों में देशभक्ति की भावना पर्वे, उनका जो सामाजिक दायित्व तो है, जैसे कि अभी सरकार की तरफ से जीवन हरियाली योजना चल रही है, तो इस तरह का बच्चे जो हैं इस तरह के उनमें एक जागरूकता है हर सामाजिक पहलू पर, इसी हिसाब से हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किया है, उसी हिसाब से हम बच्चों को अपना ये करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के निदेशक और भी कई लोग हैं, एक सर और हैं, इनसे बात करेंगे, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आज के इस एनुअल फंक्शन? विद्यालय अपना भव्य रूप ले चुका है, इसके पहले बहुत कमसीन था और आदरणीय गिरी जी के, इनके पिताजी के नाम पर यह विद्यालय चलता है, और इनका शौर्य, इनका त्याग, इनका बलिदान इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया है, और उसमें इतने तल्लीन हैं, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं जिसका जवाब नहीं है। आज बच्चों को देख के, परिवेश को देख के यह भी महसूस हुआ कि हम लोगों के बच्चे बहुत कामयाब होंगे, और मैं इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आपने देखा कि जो मुख्य अतिथि थे पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह जी, और उनसे लेकर के निदेशक अभिलाष गिरी तक से हमारी बात हुई, और सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो कार्यक्रम आज विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय में कराया जा रहा है वाकई काबिले तारीफ है, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, और ऐसे ही आगे भी इस विद्यालय के द्वारा समय समय पे बड़े बड़े कार्यक्रम का आगाज कराया जाता रहेगा। ठीक इसी तरह से और भी जगहों पे हम चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम इस तरह के मौके पे किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।